अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, होप यू आर वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें नॉमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री के बराबर हो या ग्रेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, जो कि डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम अपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं बाय डिवीजन मेथड। 9x² - 13 और बाहर रहेगा हमारे पास 3x + 4। सबसे पहले हमने इसके साथ ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 9x² जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो 3x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम जब इसके 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9x² फैक्टर बनेगा, और एक जब ये 3x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +12x एक अलहदा से टर्म बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपने जो मल्टीप्लाई हो गए उनको हम माइनस करते हैं, उनके हम साइन चेंज कर देते हैं, या दूसरे अल्फाज में माइनस ही करते हैं। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब -12x को ख़त्म करने के लिए हम इस पूरी टर्म को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो जब 3x -4 से मल्टीप्लाई होगी तो -12x, और जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -16। अब हम अगेन से इनको प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, और 16 - 13 तो हमारे पास जस्ट ओनली 3 रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 लास्ट एक ऐसी टर्म है जो कि मज़ीद सोल्व या डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह कि ये सबसे ऊपर हमारे पास क्वेश्चन होता है, सबसे लास्ट पे हमारे पास रिमाइंडर, ये है हमारा डिवाइज़र। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सबसे पहले हम अपना क्वोशेंट लिखेंगे प्लस रिमाइंडर, और उसके डिनोमिनेटर में हम अपना डिवाइज़र लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने का। अब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन -1 लोअर लिमिट है, 3 अपर लिमिट है, 9x² - 13 / 3x + 4 dx, और ये किसके बराबर है, -1 3x - 4 + 3 / 3x + 4, और इस पूरे फ्रैक्शन के बाहर हमारे पास है dx। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है वो अंदर हर टर्म के साथ अलहदा अलहदा कर देंगे, -1 3 और इंटीग्रेशन आ जाएगी 3x के साथ। ठीक है, dx -4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन जस्ट आ जाएगी 1 dx के साथ। ठीक है, या हम सिंपल dx भी लिख सकते हैं, और प्लस इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी लास्ट टर्म के साथ। तो अब हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं, x dx - 4 1 dx, और प्लस -1 3 / 3x + 4 dx। ठीक है, इन दो टर्म की तो इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है, लेकिन इस टर्म को हम देखते हैं कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन में ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे हमारे पास फंक्शन मौजूद हो, ठीक है, कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो लॉग और वो फंक्शन और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कि जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लॉग ऑफ दैट फंक्शन और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसके साथ यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास नीचे 3x + 4 है और उसका डेरिवेटिव ऊपर 3 मौजूद है। ठीक है, 3x का डेरिवेटिव 3 और 4 का डेरिवेटिव तो 0, तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस इंटीग्रेशन में यूज़ होगा और इन दोनों की सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, 3 - 1 3 और x dx की इंटीग्रेशन है, -4 और 1 dx की इंटीग्रेशन है, और हमारे पास 3 / 3x + 4 की इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो x की इंटीग्रेशन किस तरीके से आएगी कि इसकी पावर में एक प्लस होगा और वो उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो x² / 2, और इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है -1 3
माइनस फोर, वन की इंटीग्रेशन होगी एक्स और उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है माइनस वन थ्री, और प्लस लॉग थ्री एक्स प्लस फोर और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है माइनस वन और थ्री। ठीक है, अपने इस स्टेप को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है ना वो हर फंक्शन से सेपरेटली कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस फोर एक्स प्लस लॉग थ्री एक्स प्लस फोर, और इन सब से मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना वो बाहर ले ली। ठीक है, जो थ्री है वो जस्ट इस टर्म के साथ बाहर है। ठीक है, इस थ्री को जस्ट हम इस टर्म के साथ बाहर रहने देते हैं, बाकी सारे टर्म्स हमारे पास सेपरेट होगी। अब हम सबसे पहले अपर लिमिट को पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम माइनस के साथ सारी लोअर लिमिट को पुट कर लेते हैं। थ्री बाय टू और एक्स स्क्वायर में जब थ्री पुट होगा तो नाइन माइनस फोर इंटू थ्री प्लस लॉग थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन प्लस फोर थर्टीन। ठीक है, ये हमारे पास अपर लिमिट पुट हो गई माइनस। अब हम लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। थ्री बाय टू वन पुट होगा तो वन माइनस फोर प्लस लॉग थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री प्लस फोर सेवन। ठीक है, बल्कि हमारे पास माइनस वन है तो यहाँ पर वन माइनस वन आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस फोर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो माइनस वन थी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये प्रॉपर स्टेप सॉल्व हो जाएगा और दिस इज़ ट्वेंटी सेवन बाय टू माइनस ट्वेल्व प्लस लॉग थर्टीन माइनस थ्री बाय टू प्लस फोर प्लस लॉग माइनस वन। माइनस वाली टर्म को ओपन करेंगे, ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन बाय टू माइनस ट्वेल्व प्लस लॉग थर्टीन माइनस थ्री बाय टू माइनस फोर और माइनस लॉग माइनस वन। ठीक है, ये ट्वेंटी सेवन बाय टू और माइनस थ्री बाय टू ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, जिससे ट्वेंटी फोर बाय टू माइनस ट्वेल्व और माइनस फोर माइनस सिक्सटीन प्लस लॉग थर्टीन और माइनस लॉग माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसकी कटिंग होगी, ये टर्म सॉल्व हो जाएगी और हमारा पास आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी सेवन बाय टू माइनस थ्री बाय टू था माइनस सिक्सटीन प्लस लॉग थर्टीन माइनस लॉग माइनस वन। दिस इज ट्वेंटी फोर बाय टू माइनस सिक्सटीन प्लस लॉग थर्टीन माइनस लॉग माइनस वन एंड दिस इज ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन माइनस फोर। ठीक है, प्लस लॉग थर्टीन माइनस लॉग माइनस वन। इन दो वैल्यूज़ को हम सॉल्व करके अपना पॉइंट पे भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी आंसर ठीक है। ठीक है, मुख्तलिफ बुक्स में इनको सॉल्व करके पॉइंट में आंसर लिखा हुआ है, अदरवाइज़ ये ऐसे भी ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन थी जिसको सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, उसके बाद अपनी हर टर्न की लेते लेते इंटीग्रेशन की और प्रॉपर स्टेप करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। जज़ाकअल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।